गदा मजदूरी का काम आज भी बोलर का ही है तो अगर आप देखते हो तो अगर उसके हिसाब से आ, आपको पे मिल रहा है वो तो सभी को मिल रहा है यार तो मैं तो चाहता हूँ बोलर को सबसे ज्यादा मिले क्योंकि सबसे ज्यादा मार उसको खानी है बेजती उसको झेलनी है पब्लिक गालियाँ भी उसी को देती है कि इसने छक्के खा लिए तो मिल भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ रहा है और आई जैसा प्लेटफॉर्म बहुत लोगों की जिंदगी चेंज किया है लेकिन ये तो बात सब मान गए हैं कि शमी की बॉलिंग में उस उनकी स्विंग में धार ऐसी कि शमी की शरण में लौट कर आना ही पड़ा अब ये अल्लाह करम समझो या फिर स्किल को समझो आप या मेहनत का रंग समझो बट या यही कहता हूँ मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हट, हटता हूँ तो बहुत लोगों को लगता है जैसे मैं बदनाम हूँ बिरयानी खाता है कबाब्स खाता है अरे खाता हूँ मेहनत भी करता हूँ यार तो वो मेहनत कुछ लोगों को दिखती नहीं है जो मैं करता हूँ क्योंकि लोग घर पर जाकर आराम करते हैं अपना इंजन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं लेकिन मैं जब घर पे जाता हूँ मैं टीम से ज़्यादा प्रैक्टिस घर पे करता हूँ तो वो उसका रंग दिखता है वो उसकी मेहनत जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मिलता है मुझे लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि बड़ी आराम आराम से मिल गया है लेकिन अमृत आप तो आ, हर एक शमी भाई को तो मैंने बहुत करीब से देखा तो है तो ऐसा जि... भाई जितना मुझे पता है मैं आप दोनों ज्यादा बेहतर जानते हैं लेकिन कहते हैं कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाए इसका मतलब ये नहीं शमी भाई कि मैं ये कह रही हूँ आप बुजुर्ग हो गए नहीं हो सकता हाँ नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं लेकिन ए, आ, आपके उस स्विंग में वो मजा वो मैजिक खत्म होता जाता है बट कहते हैं ना शेर बुढ़ा नहीं होता है तो शेर शेर ही होता है बब्बर शेर हमारे शमी भाई अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है और जिस तरह से वर्ल्ड कप इन्होंने गेंदबाजी की काबिल तारीफ है भाई क्या फ्रस्ट्रेशन हुआ था वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में मौका नहीं मिलना हार्दिक पांड्या अगर इंजर्ड शायद नहीं होते तो शायद आपको वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिलता ऐसा कहा जा रहा था लेकिन कैसा लगा आपको पहला दो तीन मैच कि मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा है यार मेरे साथ हमेशा ऐसे ही हुआ है वर्ल्ड कप में और स्टार्ट भी हमेशा ऐसे ही हुआ है तो 2019 में भी वैसे ही हुआ था पहले चार मैच नहीं खेले गया तब के मैं 2019 का हाईएस्ट विकेट टेकर था तब भी मैं पहले चार मैच नहीं खेला था पहला मैच खेला और उसमें हैट्रिक भी लिया था तो स्टार्ट हमेशा ऐसा ही हुआ है 2015 वर्ल्ड कप में भी सेम हुआ था स्टार्ट पाकिस्तान के खिलाफ चार विकेटें ली थी तो स्टार्ट हमेशा से ऐसे ही हुआ है चांस देना मेरे हाथ में नहीं है भाई नहीं लेकिन ऐसा क्यों होता है आपको क्या लगता है शमी भाई मतलब आपने पहले भी बहुत खुलकर ये बात कही है कि यूपी की तरफ से खेला करते थे लेकिन आपको फिर रुख बदलना पड़ गया क्योंकि ना, ना इंसाफी क्या शमी के साथ क्रिकेट वर्ल्ड में ना इंसाफी हुई है खासकर सिलेक्शन को लेकर पता नहीं यार इतना मैं उसमें घुसता नहीं हूं मैं मुझे अपने पे बिलीव है यार मुझे जब खिलाओगे मैं अपना हंड्रेड परसेंट देने उतर जाऊंगा मैंने आज तक ना तो किसी को ब्लेम किया है और ना मैं करना चाहता हूँ भाई

देखो ऐसा नहीं है कि खुशी मुझे मुझे होती है खुशी बट विकटें भी निकालनी है भाई <laughs> तो थोड़ा पेशेंस मुझे क्या है मुझे जब ज़्यादा विकटें मिलते हैं ना कभी क्या होता है कि जब बॉलर विकेट लेता है तो थर्टी आठ के बाहर तक भाग के चला जाता है मुझे ऐसा लगता है मैंने यार अभी पेशेंस नहीं खोना है क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना तो खुद ही दिमाग लड़ा रहे होते हैं क्या है लेकिन जब हम अच्छा कर रहे हो तो कोई नहीं सोचता कि हम अच्छा क्यों कर रहे हैं मेरा दिमाग वहीं पर रहता है कि ये अच्छा हुआ है तो इस वजह से हुआ मुझे अगला भी यही करना है तो मैं पेशेंस रखता हूँ वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि उसी जगह को मैं रिपीट करता रहूँ ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं होती मैं सेलिब्रेट करना नहीं चाहता हाँ जो मुझे उंगली करता फिर मैं करता हूँ मैं नहीं छोड़ता फिर मैं अगर हाँ मुझे बदतमीजी भी करनी पड़ी तो मैं कर लूँगा क्योंकि आप जैसा बिहेव मुझे सामने से करोगे मैं वैसा बिहेव करूँगा वैसा ही रिएक्ट करूँगा अगर आप मुझसे कुछ नहीं बोलोगे तो मैं अपने काम से काम रखता हूँ अपना भाई फाइन लग like पर खड़ा हो जाता हूं जाके शमी भाई आ, यहां पे बहुत सारे युवा हैं क्या आप लोग भी कभी कभी इस बात को लेकर सोचते हैं कि शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है कितने लोग हाथ उठाए कभी ये सोचा है कि शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है कैसे काबू कर लेता है अपने गुस्से को इतना ये कैसे होता है मतलब आप हमेशा से ऐसे थे <coughs> या पहले गुस्सेल थे और जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने ये सबक सिखा दिया कि बस कोई फर्क नहीं पड़ता है गुस्सा रहो या शांत रहो लाइफ में तो अप एंड डाउन तो हमेशा सबके जाते हैं हमेशा होता है सबके साथ आज अच्छा दिन है कल खराब हो सकता है या फिर टर्न तो होता ही है लाइफ लेकिन कोई मुझे बताएगा कि भागने के बाद किसको सुकून मिलता है ज़रा बताना मुझे कि गुस्सा किसको आता है भागने के बाद घर में बीवी दौड़ा दे तो उसको गुस्सा आता है किसी को नहीं आता होगा शायद या रनिंग करके कोई आया तो उसको गुस्सा आता है नहीं आता होगा वैसे ही होता है क्योंकि जब हम भाग रहे होते हैं जब हम पेशेंस मतलब हमें कई सारी चीज़ें सोचनी होती हैं क्योंकि हमें भागना भी है बॉल भी डालना है आउट भी करना है टीम के हित में भी सोचना है रन ना पड़ जाएं इतनी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हाँ कुछ लोगों का होता है विराट कोहली को आप देख लो बिना विकेट के बॉलर से ज़्यादा सेलिब्रेशन कर जाता है मैं उसको बोलता हूँ कभी कभी मैंने अच्छा हुआ तो बॉलर नहीं था तो उनको आप पास में रखते हो गए खुद के लिए उसको मजा एक्चुअली में क्या है ना उसको वो उसका स्टाइल है खेलने का उसका नेचर में वो सेट हो गया वो चीज वो नाच वो खुद को रोकना भी चाहे नहीं रोक पाएगा उसको पिक्चर भेजा मैंने ये क्या था विकेट से इतना ऊँचा था ऊपर जंप मार के मैंने भाई ये क्या था विकेट तो मेरा था छोड़ो जाओ अच्छा शमी भाई आप धोनी कप्तानी में खेले रोहित शर्मा कप्तानी में खेले इवन विराट कोहली कप्तानी में खेले किस कप्तान के अंडर आप बहुत कंफर्टेबल रहे हैं वो सारी फ्रीडम मिली जो आपको चाहिए था वो सारा आपको सपोर्ट मिला जो आपको चाहिए था सबने दिया होगा लेकिन एक कंफर्ट होता है गेंदबाज का कि मुझे लगता है कि यार मेरा ट्विटिंग अच्छी बनी इससे धोनी से विराट एंड रोहित नहीं सबका यार खेलने का तरीका अलग है सोचना अलग है सब हर कैप्टन प्लान करता है अलग अलग तरीके से प्लान करते हैं तो सब ने अपने अपने टाइम पे अपने अपने प्लान्स बताएँ बोलर्स के साथ बात की है कैसे खेलना है कैसे प्लान करना है या फिर कैसे अटैक करना है सबका जो प्लानिंग होता है जो प्रिपरेशन होता है जो मीटिंग्स होती हैं हमारी उसमें डिसाइड हो जाता है कि हमको ऐसे करके करना होता है या इनके इस इस बैट्समैन के अगेंस्ट में हमें ऐसे खेलना है या इसको ऐसा अटैक करके आउट कर सकते हैं तो वो ऑप्शंस रखे जाते हैं ऐसा नहीं है कैप्टन बेचारा उसको एक जिम्मेदारी पहले से ही आपने दे रखी है अब उसके दिमाग में ये है कि मुझे जीतना भी है मुझे इनको आउट भी करना है मुझे ओवर हेड का भी देखना है सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं कभी कभी ऐसा होता है कोई रिएक्ट कर जाता है कोई कोई नहीं करता है कोई शा... जैसे माई भाई हैं वो कुछ बोलते ही नहीं थे फिर भी मेनटेन होता था विराट है तो सारे में भाग के भी मेनटेन कर देता था अब रोहित है वो अपने तरीके से कर रहा है तो कैप्टन कभी कैप्टन का रोल कभी ऐसा नहीं रहा है कि दबाव वाला कभी दबाव नहीं ये रोल शमी भविष्य में लेना चाहेंगे टीम इंडिया का कैप्टन अरे कौन नहीं चाहेगा भाई मैं तो अगर किसी कंट्री की कमान कोई संभालने के लिए तैयार तो ना हो तो भाई वो तो अवतार हो सकता है मैं तो चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा हमेशा कि हाँ अपनी कंट्री के लिए मैं भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटिया लेकर चल इसके लिए भी मादा चाहिए इतना क्लैरिटी के साथ शमी भाई बोलना कि मन में जो है वो जुबान पर आ जाए और इसके लिए मतलब बहुत तपस्या करनी पड़ती होगी और ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप सामने बैठे हैं आपकी ज़िंदगी को इस पूरे देश ने देखा है आप जिस तरीके से मैदान में खेलते हैं वो अलग बात है और ज़िंदगी ने जो खेल आपके साथ किए हैं वो भी पूरे देश ने देखे हैं ऐसे मौक़ों पर देश के लिए जी जान से लग जाना कोई शिकायत नहीं करना इसके लिए मादा चाहिए होता है अब जिस सवाल की तरफ मैं बढ़ रही हूँ और ये बात आपको बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि शिखर धवन भी यहाँ पर आए थे और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक आपको भी पता है पोस्ट लिखा है बच्चे को याद करने का हमें पता है आपकी ज़िंदगी भी बहुत सारे अनफॉर्चुनेट मोड़ से गुजरी है क्या आप एक बाप होना मिस करते हैं हमेशा कौन नहीं चाहेगा मुझे एक भी इंसान बता दीजिए कि जो अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को मिस ना करते हो वो वो अलग बात है कि हाँ सिचुएशंस क्या है आपकी कंडीशंस क्या है सामने से आ, आप आप नहीं चाहते या सामने वाला नहीं करने देता वो चीज़ें एक अलग हैं लेकिन जहाँ तक मिस करने का सवाल है अपने ब्लड को तो कोई नहीं छोड़ सकता इज इट वेरी डिफिकल्ट ऑब्वियसली यार क्योंकि आप कितनी सारी यहाँ फैमिली बैठी हैं आप बताइए आप अपने बच्चे अपनी फैमिली को कौन मिस नहीं करता है या कौन मिस करना नहीं चाहता होगा शायद ही एक आध नसीब ऐसा होगा जो शायद याद ना करे तो आप बात करते हैं अपनी बिटिया से बीच बीच में होती है बात अब जितना पॉसिबल होता है जितना करने देती है वो उतना हो जाता है अदरवाइज मिलने तो आज तक नहीं दिया अपनी बेटी से कुछ कहना चाहे एक बाप तो क्या कहेगा बस यार मैं एक ही चीज़ को, हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसकी लाइफ अच्छी रहे उसकी हेल्थ अच्छी रहे उसका एजुकेशन अच्छा जाए मैं डन मैटर कि हाँ हमारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बस उस पर लोड नहीं आना चाहिए मैं एक ही चीज़ हमेशा कोशिश करता हूँ उसका हेल्थ उसका एजुकेशन उसकी लाइफ बहुत अच्छी जाए आपको ये लगता है शबी भाई के मर्दों को ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है क्योंकि आ, बच्चों के कस्टोडियन के तौर पर हमेशा माँ को पहला दर्जा मिलता है और एक माँ होने के नाते मेरे ख्याल से मैं इसको बहुत आसानी से पूछ सकती हूँ लेकिन एक बाप जो है उसे ज्यादा इस इस परेशानी से गुजरना पड़ता है देखिए ये लॉ है हमारे यहाँ का कि लेडीज को ज्यादा क्या बोलते हैं उसको तरजीह हाँ वो दिया जाता है तो कहीं पे वो लोग सही भी होते हैं कहीं पे तो बहुत मिसयूज़ भी होता है इस चीज़ का आपने देखा है कि लड़कों को तो पता नहीं कौन सा ही जैसा होता है कि हमने गुनाह कर लिया लड़के हो के पूरी दुनिया में लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से अगर आपने अब अगर ओपन रखा है लेडीज़ के लिए तो आप लड़कों को भी दीजिए या फिर इक्वल दीजिए जो गलत है उसको सजा दीजिए बात खत्म है वेल सर शमी भाई मैं आपको तो थोड़ा सा वापस फिर वो बाईस गज की पट्टी पे लेकर चलता हूँ जहाँ पे आपने कहा कि कप्तान बनना चाहते हैं फैंस आजकल कह रहे हैं एक वर्ड यूज कर रहे हैं जो हम यूज कर रहे थे साउथ अफ्रीका के लिए चोकर्स हम सेमीफाइनल हार जा रहे हैं हम फाइनल हार जा रहे हैं हम बड़े टूर्नामेंट्स में बहुत आगे निकल रहे हैं लीग मैचेस में बहुत अच्छा खेल रहे हैं लेकिन रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है क्या लग रहा है कि कहीं कुछ मिसिंग है कुछ हम छूट रहा है हमसे जो हम कैच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया छह बार वर्ल्ड कप चैंपियन और हम पहुंच के पीछे हट गए फैंस को क्या कहेंगे यार फैंस को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा स्पेशली क्योंकि जब हम जीतते हैं तो हमेशा आप लोग हमारे साथ होते हो वाह वाह करते हो हमें हीरो बना देते हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 11 मैच हैं तो 11 में से 11 ही जीतने होंगे ज़रूरी नहीं है कि जो दिन हमारा नहीं है हम उसको बना पाएँ अपनी तरफ क्योंकि नसीब को कोई नहीं पलट पाया है आपके नसीब में जो है वो लिखा है और वो आपको ही मिलेगा हाँ आप अगर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो आप परफॉर्म पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप एफर्ट पे जब एफर्ट लगा रहा है बंदा उसके एफर्ट पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं आप यार ये नहीं बोल सकते कि हम सेमीफाइनल में जाकर हम क्यों हार गए या फिर हम फाइनल में जाके हम क्यों हार गए क्योंकि जब आप तो किसी के पास नहीं है तब तो आपने नहीं पूछा ये बात जब हम दस के दस मैच जीत कर गए थे सेमीफाइनल जीत कर गए थे तब तो आपने ये नहीं पूछा कि हम क्यों जीत गए तो सवाल उठाना क्वेश्चन मार्क लगाना मेरे पास भी आता है मैं आप लोगों पे भी लगा सकता हूँ आप क्यों बोल रहे हो लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही वे में चलना शुरू कर दो एक कमेंट्स आता है उसके पीछे वाह 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 हो जाती है कि हम जिधर निकल रहे हैं उसके पीछे चल रहे हैं जिसको खींचना शुरू कर दिया उसको खींचना शुरू कर दिया है अगर सच्चा क्रिकेट से प्यार करते हो आप तो आप उसको सपोर्ट करो अच्छे में भी और ख़राब में भी समी भाई आजकल हम ये देखते हैं रुबिका जी कि मन्नत के बाहर शाहरुख खान के घर के बाहर लोग की लाइन लगती है सेल्फी के लिए वो आजकल आपके साथ भी हो रहा है मैं देख रहा हूँ बाहर जिस तरह से लोग खड़े होते हैं और आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं ठीक है भैया आओ खिंचवाओ तो ये जो एक नया एड ऑन में कहूँगा आपके फैंस में जो हुआ है यार प्यार है वो बस क्या बोलूँ मैं क्यों ये मेरी फैमिली